8 सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के धरने के तीसरे दिन जिला अधिकारी द्वारा वार्ता करने के लिए बुलाए जाने पर लेखपाल संघ ने वार्ता करने से इनकार कर दिया। लेखपाल संघ का कहना है कि जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे, इसके लिए चाहे हमें जेल ही क्यों ना जाना पड़े। बुधवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में लेखपालों के समर्थन में पूर्व विधायक जीएम सिंह पहुंचे और लेखपालों को संबोधित करते हुए कहा कि समस्या चाहे जैसी भी हो, बिना वार्ता के कोई बात बनने वाली नहीं है। वार्ता का माध्यम चाहे जो भी हो, वार्ता से ही काम बनेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला मंत्री उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जगदीश प्रसाद और वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष राम केवल सिंह ने कहा, इंकलाब के नारों से डर्रा डर्रा हो चुका है, इंकलाब के नारों से इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश आपको मेरा सदन जवाब दे दिया, मैं भी घोषणा करता हूँ कि मैं वार्ता करने सदन से फिरते नहीं जाऊंगा। और आपका सर्वसम्मत से डिमांड हुआ कि नहीं, हम लोग कोई वार्ता नहीं करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी ने आपके भावनाओं को देखते हुए घोषणा भी किया कि हम नहीं जाएंगे वार्ता करने के लिए। होना चाहिए तो आपको निर्धारित करना है, लेकिन वार्ता तो शुरुआत करना ही पड़ेगा कि उनका ओपिनियन क्या है। वास्तव में आपकी मांगों को एकदम खारिज कर दे, रिजेक्ट कर दे रहे हैं कि उस पर कुछ विचार करके आपके तरफ से कुछ पहल करने का भी प्रयास हो रहा है। इस स्थिति को हमारे पदाधिकारी भले ही से न समझे, आप लोग भले ही चले जाए, लेखपाल भले ही चले जाए, लेकिन एक मीडिएटर का काम मीडिया के लोग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लेखपाल मीडिया के लोग भी मीडिएटर का काम कर सकते हैं कि वो ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं, आपकी भावना उनको पहुंचा सकते हैं, उनकी भावना आप तक पहुंचा सकते हैं, ऐसा भी मीडिएटर का काम हो सकता है। नहीं, हम लोग खुद व्यथित हैं कि हमारे छात्र छात्राएं, हमारे बीमार बुजुर्ग गरीब बीपीएल परिवार में रहने वाले लोग जिनकी इलाज चल रही है वो परेशान हैं। सरकार को हम लोग जो है 1.5 सालों से जगा रहे हैं। 2 महीना पहले नोटिस दिया गया, नोटिस के बाद भी वार्ता नहीं की गई। अंतिम में जब हम लोगों के द्वारा ई डिस्ट्रिक्ट का बहिष्कार हुआ तब अपर मुख्य सचिव राजस्व व मुख्य सचिव महोदय द्वारा वार्ता की गई। बताएं, आप स्वयं बताएं, आज हम परेशान हैं, कहां से उनका रिपोर्ट लगा दें सर समय। कहीं भी लगाने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है, किसी तहसील में कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं है, परेशानियां हैं। हम लोगों की मांग उन्हीं के हितों में लेकर रखी गई है, जिससे सर समय अगर लैपटॉप रहता है, अगर कोई छात्र रात में भी हमको फ़ोन करता है कि सर हमारी कल काउंसलिंग है, आप इस पर रिपोर्ट लगा दीजिए, मेरे पास संसाधन रहेगा तो मैं अपने घर से ही खोल के उसको समय से लगा दूंगा। शासन की मंत्रा ही खुद ही नहीं साफ है, वो लेखपाल और जनता के बीच में दुराव पैदा करना चाह रही है, अपनी रोटी सेकना चाह रही है कि लेखपाल काम नहीं करते हैं। हम लोग अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। अगर हमारा 100 रुपया हमको वेतन भत्ता देते हैं महीने का, जो ग्राम पंचायत मेरे निकटतम प्रतिनिधि वो 750 रुपया उसको देते हैं, ग्राम विकास से मेरे निकटतम है वो 750 पाता है हमको। बताइए 100 रुपया कितनी शर्मनाक बात है कि प्रदेश सरकार मुझे 100 रुपया देकर पूरे महीने भर का काम कराती है। संसाधन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, हमारे 7 साल से हम लैपटॉप बैंक में जा करके अपने पैसे से 3000 से 5000 रुपया खर्च करके पर महीने आय जात निवास का रिपोर्ट लगाते हैं। और ये हमारी सभी मांगें जायज हैं। अगर हमको आज जेल जाने की भी धमकी दिया गया, रात में हमारे साथियों को कहा गया कि आप लोग धरने से हट जाइए, नोटिस जा रही है, हमारे सभी साथी हमारे साथ हैं, हमारे पूरा प्रदेश हमारा साथ है, और जिस जनपदों में कार्रवाइयाँ की गई हैं वो हमारा जिला लेखपाल संघ गोरखपुर उस जिलाधिकारियों का घोर निंदा करता है।